कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम अनिमेश, मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं नेताजी इंडोर स्टेडियम से, जहां पर आज प्रो कबड्डी सीजन 2 का कोलकाता वेन्यू का तीसरा दिन है और आज यहां पे दो दो बड़े मैचेस होने वाले हैं। दिल्ली की टीम भिड़ने वाली है पुणे के साथ, साथ ही साथ कोलकाता वर्सेज मुंबई का मैच जो है वो बस रात के 9 बजे शुरू हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ है प्रेजेंटर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी सीजन 2, नन अदर देन वेरी टैलेंटेड अदिति सिंह, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली है। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू। सबसे पहले बता दूं 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त सुन रहे हैं, आज बहुत टेंशन हो रही है। हमारी जो टीम है बंगाल बॉडी से काफी अच्छी खेल रही है, लेकिन सबसे पहले हम बातें करेंगे दिल्ली पुणे वाले मैच की। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, बहुत करीब से आपने देखा है इस साल के सीजन 2 को, क्या कहना चाहेंगे, क्या होने वाला है? एक्चुअली सीजन 2 सीजन 1 से बहुत ही अलग है, टीम्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, बेटर और बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव हो गई है। एंड दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन की बात करें, दोनों ही टीम, आपको बताना चाहूंगी कि पुनेरी पलटन की प्लेयर्स सारे चेंज कर दिए गए हैं और उनका कोच भी नया आया है, तो आप पुनेरी पलटन को हल्के नहीं ले सकते। बिल्कुल। आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोलकाता वाले मैच की अगर बात करें, बंगाल वॉरियर्स लास्ट सीजन में हमने देखा कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हो नहीं पाया, लेकिन इस बार टीम जो है धीरे धीरे करके फॉर्म में आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? धीरे धीरे नहीं, मैं तो ये बोलूंगी कि बंगाल वॉरियर्स अपने बिल्कुल ट्रू वॉरियर्स के फॉर्म में आ गए हैं। एंड आज का मैच, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम, बिकॉज यू मुंबई का ये पहला मैच है अपने होम ग्राउंड से अवे, सो अपने कम्फर्ट जोन से वो बाहर आ गए। और बंगाल वॉरियर्स जिस तरह से कल खेली और परसों खेली, कल अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट में छोटी सी गलती होगी, बट उसकी वजह से हम बंगाल वॉरियर्स को हल्के में नहीं ले सकते। आज का मैच फिर से टाइट मैच ही होने जा रहा है और आखिरी मिनट तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। वैसे कोलकाता शहर आपको कैसा लगा, तीन दिन का ये जो सफर था, पहली बार आप आई हैं, कैसा लगा? As it is rightly said, the city of joy, it is the city of joy, and it's not just the city, but it's the people in the city that makes it so beautiful and joyful. क्या बात, थैंक यू सो मच अदिति हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे। ले पंगा, थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ ही नन अदर देन अदिति सिंह, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू यू नील। Friends FM 90.